गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोगों का बोकारो हेडलाइंस में। कुछ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं सिटी पार्क का वो नज़ारा जो आपने इतनी नीचे से आज तक नहीं देखा होगा, ग्राउंड लेवल से। इसी को बोलते हैं ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे सड़क है और सड़क जो है बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है और यहाँ पर हम लोग चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नीचे नीचे हम लोग चल रहे हैं, नीचे नीचे चलने का कोशिश कर रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे से एकदम ग्राउंड टच करते हुए। थोड़ा सा और नीचे कीजिए कैमरा। बस बस ठीक है। मतलब पब्लिक को दिखना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो नीचे से दिख रहा है। क्या कोई है व्यूअर्स? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 25 है। हाँ तो हम अपने 2500 व्यूअर्स का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस शो में जो है नीचे से बोकारो फ्रॉम ग्राउंड लेवल। पत्तों के बीचों बीच हम लोग आज गुजर रहे हैं सिटी पार्क का नज़ारा लेते हुए और आपको पीपी का साउंड सुनाई दे रहा होगा एकदम। बजा दीजिए एक बार। तो ये था बोकारो में सेलिब्रेट करने का अनोखा अंदाज बाजे के साथ। तो अब हम लोग चल रहे हैं नीचे नीचे और अब हम आपको सिटी पार्क के पीछे पीछे लेकर के। पीपी पीपी खत्म नहीं हो रहा है, आप आवाज को मद्देनजर रखते हुए सुनते जाइए। जितना नीचे रहिएगा उतना कम ठंडा लगेगा दोस्तों। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि 1 जनवरी को लोग सिटी पार्क पहुंचते हैं लेकिन आज का जो दिन है वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा जो लोग हैं वो थोड़ा कम दिख रहे हैं लेकिन फिर भी घरों से अपने निकले हैं और सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग भी आपको चाहेंगे कुछ नया दिखाएं। तो अगर हम ग्राउंड से आपको टच करके कुछ नई चीज़ें दिखा रहे हैं शायद आपको दिख रहा हो तो आप कुछ कमेंट करके बताएं क्या क्या दिख रहा है। पानी की बूंदें आपको साफ साफ अपने ग्राउंड लेवल पर नज़र आ रही होगी और आप उसको महसूस कर सकते हैं अपने कैमरे में, नहीं स्क्रीन में। हम अपने कैमरे के जरिए आपके स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि कैमरे में आने के लिए वो नीचे एकदम ग्राउंड लेवल पर सो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि आपको नीचे तक दिखा दें। एक कमेंट आया है, क्या कह रहे हैं वो? अंडरग्राउंड रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। तो अंडरग्राउंड तो हम लोग नहीं कर सकते हैं अभी। अभी हम लोग कर सकते हैं ग्राउंड लेवल तक जो अपने बस का है। इससे ऊपर, इससे नीचे नहीं जा सकते। इससे ऊपर जा सकते हैं ना, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। आइए नीचे जाने के लिए फिर आपको अंतर आत्मा की दृष्टि से देखना होगा। हाँ और हम लोग तो अब हम इन्हीं रास्तों के सहारे उस जगह ये वो सड़कें हैं जो सारे चीज़ों को गवाह बनाती है। ये इन सड़कों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब यहाँ पर भीड़ नहीं होती है और शॉर्ट फिल्मों का निर्माण होता है। और बोकारो की जितने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी शॉर्ट फिल्में हैं वो यहीं से निकलती हैं। और आप देख रहे हैं कि सामने एक सूखा पेड़ है जिसे हिलाया जा रहा है बहुत तेज़ी से, शायद वो गिर जाए थोड़ी देर में। और धीमे धीमे पानी भी आ रही है, पीछे से कोई कमेंट भी कर रहे हैं। देखिए आप बोटिंग करते हुए आइए। अब हम अपने एक सर, आई एम बैक। युवराज जी बैक आ गए, बिल्कुल नमस्कार युवराज जी। युवराज जी कुछ देर पहले मोमोज का स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमें पता है आपको और दर्शन करवाएंगे क्योंकि हमें कुछ ध्वनि की तरंगे आ रही हैं जहां तक हम आपको लेकर चलेंगे, जहां लोग अपने पकवानों को बनाने में मशगूल होंगे। हो सकता है कि अब वो उसे उठाकर घर की ओर भी प्रस्थान कर दिए हों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी बरस रही है, बारिश हो रही है और तालाब सामने पूरा भरा हुआ है बोट से, बोट और बोटिंग हो रहा है।
और हम लोग इसको कवर करने का पूरा ग्राउंड लेवल से कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन है वो चाह रहे हैं कि शायद और नीचे आपको दिखाएं। कितना नीचे दिखाएंगे हमको भी नहीं पता है, शायद नीचे उतर जाए वो पानी में थोड़ी देर बाद। चलिए अब हम लोग फिर से सतह पर आ गए हैं और सतह पर हम लोग धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए, पता नहीं हमारी आवाज़ जा रही है कि नहीं, आवाज़ आ रही है तो जरा कमेंट में लिख दीजिए कि यस वी आर लिसनिंग, और हिंदी में लिखिएगा हाँ हम सुन रहे हैं। और ये पेड़ है, इसको आप नीचे से देखिएगा तो आइए हम आपको इसमें दीमक का घर भी दिखा सकते हैं। नीचे से दिखा रहे हैं, नहीं ऊपर से, नीचे से ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप पेड़ देख चुके हैं, और ये पेड़ है बहुत पुराना है, देख करके तो लग रहा है। कितना वर्ष पुराना होगा ये पेड़ आपके हिसाब से? 400-500 साल पक्का पुराना होगा। 400-500 साल इसका डीएनए रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे लटक रहा भैया, ये पेड़ कितना पुराना होगा? 400-500 साल एकदम लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, ये तो लग रहा है कि 400-500 साल का पुराना पेड़। 400-500 साल या 400-500 साल? 400-500 साल पुराना पेड़ है। तो जैसा कि अभी हमारे एक व्यूअर्स ने बताया कि ये पेड़ 400-500 साल पुराना है, और इससे पता चलता है कि बोकारो पुलिया पर आपको लेके चलते हैं। देखिए यह जो पुलिया है, यहाँ पर ब्लरियाने वाला फोटो भी लोग खिंचाते हैं, जो पीछे पूरा ब्लर हो जाता है, वो जो डीएसएलआर लेकर के आते हैं ना। जी जी जी, तो एक जाम है, आपको दूसरा वाला भी लेके चलते हैं। हमारे पास दो दो ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम लोग आपको दिखाएंगे ग्राउंड से एक पुल, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे अजय कुमार जी कह रहे हैं जुगाड़ लेके पहुंचे हैं कि नहीं। हाँ, तो खोपचा में आने के बाद आदमी सबसे पहला सवाल यही करता है कि जुगाड़ है कि नहीं आपके पास। तो धीरे धीरे अब हम लोग पार्क के जस्ट पीछे, जो कि पिकनिक स्थल होता है, जिसे हम लोग वन भोज स्थल के नाम से ज्यादा जानते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार है। ग्राउंड लेवल से आप देखिए कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के बाद क्या करते हैं। प्लेट में चिकन बिरयानी भी दिख जाए, शायद वो आपको प्लेट में चिकन बिरयानी दिखे या ना दिखे, लेकिन आपको यहाँ पर प्लास्टिक के, थर्माकोल के और एक्सेट्रा एक्सेट्रा के प्लेट दिखेंगे, जो आज ये सबूत देते हैं यहाँ पर कि यहाँ सीरीज में चलाते हैं प्लेटों का सीरीज। यहाँ भरपूर मात्रा में आज पिकनिक मनाई गई है, और लोग अपने कचड़ों को यहाँ पर छोड़ करके गए हैं। और सबसे पहले बोकारो हेडलाइंस यहाँ पर पहुँचा है, और इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचा रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो आइए आज हम कुछ और आपको एक कौवे से मिलाते हैं। कौन जुड़ा है नाम लीजिए। यहाँ पर पहुँचा है और इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचा रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दी अनबीटेबल एंड कमल किशोर। युवराज, गौतम कुमार, सुमित राजवंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दूर से दिखाई। और आप जैसा कि देख सकते हैं एक टमाटर हमें दिख रहा है, और हमारे कैमरा मैन उस टमाटर को दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं आपको। टमाटर को कितनी बेरहमी से काट, उस टमाटर को किस तरह से उसके इस्तेमाल के बाद उसे फेंका जाता है। इसी की जगह अगर प्याज होता तो लूट मार होती। हाँ, और ये प्याज नहीं है, क्योंकि प्याज जो है, अच्छा आपको क्या लगता है, इधर आइए इधर आइए, आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। जैसा कि प्याज का दाम आज का आसमान छू चुका है, तो आपको क्या लगता है मुर्गे में आज प्याज पड़ा होगा या नहीं पड़ा? देखिए, मैं यह बतलाना चाहूंगा कि प्याज का दाम पिछले दिनों 150 तक पहुंच गया था, लेकिन हमें यह जानकर खुशी हुई कि कल रेट 90-100 रुपये तक था। तो प्याज पड़ा होगा, जहाँ एक पाव पड़ता था वहाँ 100 ग्राम पड़ा होगा, लेकिन पड़ा जरूर होगा। आइए हम अपने कैमरामैन को कहेंगे ये एक प्लास्टिक का थैला यहाँ पर दिखाएं, जिससे लोग जाने कि कचरा को प्लास्टिक में तो रखा गया, लेकिन यहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं होने के कारण, डस्टबिन भी है हमारे यहाँ, डस्टबिन है, लेकिन आइए आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाते हैं हम लोग, एक डस्टबिन के बाहर का आपको वो नज़ारा दिखाएंगे, जो देख करके आप समझिएगा कि किस तरह लोग मजबूर हैं बाहर कचरा फेंकने के लिए, और चाहकर उन्हें 1 किलो प्याज मिलता है, शायद उन्हें कुछ इसका ज़्यादा ये अनुभव हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कूड़ादान खाली है, कूड़ादान दिखाइए पहले। हाँ, तो जैसा कि ये कूड़ादान आप देख रहे हैं कि कूड़ादान पूरा का पूरा खाली है, और उसके नीचे कचरा रखा हुआ है।
भैया ये कैसे आप लोगों ने फेंका है? हम लोग डोसा नहीं खाए हैं, ये जो फेंका उसके पास समझ नहीं है, वो उसमें भी फेंक सकता था। ये दिया जैसा हम लोग फेंके थे उसमें हम लोग इधर फेंक सकते थे। लेकिन अगल बगल में भी आकार दिखा रहे हैं। तो आप पिकनिक रुक जा भाई, मुझे बोल लेने दे। ये वही नागरिक है जो 18 प्लस तो है नहीं, वोट तो दिए नहीं, लेकिन फिर भी जिंदाबाद के नारे लगा, जिंदाबाद के नारे लगातार लगा रहे हैं। और अगर हम दिखाएं आपको तो रुक जा भाई, एक एक करके आना। हाँ तो हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा पीछे की तरफ इधर दिखाएं, जहाँ पर लोग अभी भी पिकनिक मना रहे हैं। ये लाइव चल रहा है, हाँ तो जैसा कि हम अब दिखा रहे हैं आपको पार्क का वो नजारा जहाँ पर अभी भी लोग पिकनिक मना रहे हैं, और आसपास आपको गंदगी जिस तरह से दिख रही है उसको सफाई करने के जगह पर लोग अभी भी पिकनिक मना रहे हैं। और ये इसको हम लोग 5 स्टार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको जी? 5 स्टार वही जिसमें दो गो रमेश और सुरेश आता है, और खाने के बाद लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, तो इसे भी उसी तरह फेंक करके लोग चले गए हैं कि आप अपनी याददाश्त कमजोर है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हम सिटी पार्क को बारिश का फीलिंग हो रहा होगा, आप बारिश की बूंदे देखिए और घास में आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए कि किस तरह से गिलास के तन पर जो छोटी छोटी बूंदे हैं आप उससे अनुभव कर सकते हैं कि बारिश हो रही है, क्योंकि शायद आपको आवाज ना पहुंचे लेकिन तस्वीरें से आप अनुमान लगा लें कि शायद बारिश हो चुकी है। और अभी बारिश यहाँ पर हल्की हल्की बूंदें यहाँ पर हो रही है, और पार्क को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं जहाँ पर लोग पिकनिक मना रहे हैं, और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ अपने अच्छा महसूस करने के कारण ही जोश जोश में लोग इतना गंदगी फैला देते हैं। आपका क्या कहना है? जी लोग तो मस्ती के मजे के लिए आते हैं यहाँ पार्क, लेकिन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, अपना काम निकालते हैं और यहाँ सिर्फ 9-11 हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कल यहाँ पर सफाई अभियान चलाना चाहिए? जी अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे शहर के लिए। ये कार्तिक महतो जी क्या कह रहे हैं कि बोला जाता है पब्लिक सुधरेगी, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत पब्लिक ही है जो देश को स्वच्छ बनाने नहीं देती। अच्छा उनका कहना है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कागजों पर दिखाना और रियल लाइफ में दिखाना, पब्लिक जब खुद उस मैदान पर होती है तो वो अपने कर्तव्यों को भूल जाती है। आप क्या कहते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पब्लिक अपना अगर ध्यान इस चीज की ओर आकृष्ट करे तो वो इसको अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये उनमें जागरूकता अभी भी नहीं आई है कि कैसे इन सारी चीजों से निपटा जाए। और यहाँ पे ये कमेंट कह रहे हैं सुमित जी, डीजे लगा है क्या? देखिए बारिश की वजह से शायद इस बार डीजे नहीं लग पाया है, और हमें कहीं भी धड़ाम धुड़ुम का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि डीजे यहाँ पर नहीं है। आने वाले समय में शायद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए डीजे का आयोजन होगा। आज भी 1 तारीख है, लगातार पूरे जनवरी भर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। अभी जनवरी में लोग यहाँ पर पिकनिक पर कचरा देख रहे हैं, अभी पूरे जनवरी भर इस तरह का हमें माहौल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, हम कल परसों भी आकर यहाँ पर जांच करेंगे कि क्या बीएसएल प्रशासन योगदान दिया है या फिर बीएसएल प्रशासन से ज्यादा आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो इन थर्माकोल के प्लेट को अपने साथ लेकर के आते हैं, उसी तरह से उसे इकट्ठा करके अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? जी बिल्कुल, अगर आज की तो यह स्थिति है, लेकिन अगर कल कोई यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थर्माकोल प्लास्टिक अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो वो आए उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसको सही जगह निष्पादित करें। कूड़ादान है, कूड़ेदान में ही अपना निष्पादित करें से मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? जी उसका प्रॉपर डिस्पोजल जो होता है वो सही तरीके से डिस्पोजल किया जाए। हाँ नहीं, शुद्ध हिंदी शायद हमारे दर्शक ना समझे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आपको उछलते कूदते हुए बच्चे नजर आ जाएंगे।
ये बच्चे अपना कूदने का कार्यक्रम चला रहे हैं यहाँ पर, और स्प्रिंग के भरोसे यहाँ पर बच्चे कूद रहे हैं। हो सकता है ये बच्चे आगे चलकर जिमनास्ट बने, इनकी सोच। ये हमारे देश का भविष्य है, और भविष्य के साथ ही हमारा देश जुड़ा है, देश की तरक्की जुड़ी हुई है, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अपने क्या कहते हैं हाँ गंतव्य की ओर जा रहे हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट में हम कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा फिर से अपने ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाइए, और ग्राउंड लेवल से एकदम ग्राउंड को टच कराते हुए वो दिखाइए जो आज तक बोकारो ने नहीं देखा है। तो आज हम आपको फिर से दिखाएंगे वो सड़कें जो आज की पिकनिक की गवाह बनी है, और ये सड़कें और यहाँ पार्टी हुआ है। ये जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गुपचुप का कुछ ठेला लगा था शायद। जी बिल्कुल, और इन प्लेटों से अभी भी वो खट्टे वो जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग में वो स्मेल आ रहे हैं ग्राउंड, आपको कैमरे से वो फील आ जाएगा कि भैया यहाँ पर क्या था। और अब हम आपको यहाँ पर कुछ नीचे दिखाएंगे, यहाँ पर नींबू गिरा हुआ है, नींबू के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल है, ये तो ऐसे भी डिग्रेड हो जाएंगे। हमको उनके बारे में सोचना चाहिए जो थर्माकोल है, प्लास्टिक है, उसके बारे में ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। हमारे साथ एक क्या नाम था उनका, एक वर्ल्ड ग्रीन लाइन करके है जो कि स्वच्छता को लेकर के, प्रीति रंजन जी है, मुझे उनका ख्याल आ रहा है। अगर वो यहाँ पर आज मौजूद होते तो शायद उनका दिल बाग बाग हो जाता देख करके कि लोग कितने जागरूक हैं बोकारो में कि स्वच्छता के प्रति और थर्माकोल प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही तरीके से। और ये है देसी तरीका ये यार, और जिस तरह की आप देख रहे हैं कि सब माहौल दोस्तों, डीजे का स्थल वही है। दोबारा आपको बता दें कि आज 1 तारीख है, सिटी पार्क में कोई भी डीजे नहीं लगा है। सुमित जी दोबारा पूछ रहे थे कि बताइएगा जरूर, तो बता दें कि आज डीजे नहीं लगाया, तो आज तैयार होके मत आइएगा, कल होके लोड होके पूरा आइएगा, और शायद कहीं ना कहीं आप अपना जश्न जो है कि मना सके पूरे मन के साथ। और ये देखिए यहाँ पर कबूतर आपको काले काले नजर आ रहे होंगे जिसे हम कौवा कहते हैं। सुमन जी पूछ रहे कि बोटिंग हो रही है क्या? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने बोटिंग की तस्वीर आपको दिखाई थी, बोटिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। और पहले सुट्टा जलाइए, ये अजय जी कह रहे सुट्टा जलाइए। ये सुट्टा क्या होता है भाई? कुछ हरियाली दिखाइए, हरियाली के लिए हरियाली है, हरियाली के लिए हम आपको पूरा का पूरा घास एकदम ग्राउंड लेवल से दिखाएंगे, और एकदम हरा हरा आप घास देख सकते हैं जिस पर अभी पानी की बूंदे गिरी है, तो मुझे लगता है कि जो हरा नहीं भी था वो थोड़ी देर में और हरा हो जाएगा। तो अजय जी जैसा कि आपको हरियाली दिखनी है तो हम आपको हरियाली पूरी तरह से दिखाएंगे, एकदम जमीन के नीचे घुस के। दूसरी चीज तो नहीं कहना चाह रहे, कोशिश करते हैं हमने एलैबोरेट करने को, गूगल में खोजिए हरियाली। हाँ तो अब हम गूगल से पूछेंगे कि भाई हरियाली कहाँ तक हो सकती है और हरियाली क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेप्सी का बोतल है जो कि कुछ लिखा हुआ है इसमें, इसको बोतल दिखाइए यहाँ पर। ये अभी लगता है ऑन द स्पॉट बोतल, ये अभी यहाँ पर ताजा बोतल यहाँ पर किसी ने, स्वैग है बिल्कुल, स्वैग तो अपनी जगह है लेकिन बोतल गलत जगह है। जो स्वैग था वो स्वैग निकल चुका है इसका, और इस बोतल को यहाँ पर छोड़ करके एक जिम्मेवार नागरिक यहाँ का चला गया है। हम चाहेंगे कि इस तरह के नागरिक यहाँ पर थोड़े से कम। भैया रख रहे हैं क्या? पानी हो रहा है, आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। कैसा रहा अभी आज का बाजार? कैसा रहा? नहीं रहा बाजार, बाजार नहीं रहा, नहीं रहा। 1 जनवरी के हिसाब से किस तरह का रहा? नहीं अच्छी नहीं रहा है, एकदम बारिश हो गया, बारिश के कारण। कल भी लगाइएगा? नहीं बाबू कल नहीं लगा, एक ही लगाते हैं। नहीं ऐसे बस स्टैंड लगाते हैं नया मोड़ ठेला पर, नया मोड़ लगाते हैं। तो नया मोड़ बस स्टैंड से यहाँ पर बादाम बेचने के लिए आए थे, और वो अब नाखुश हैं कि इस तरह की बाजार यहाँ पर नहीं हो सकी, और वो अगला उम्मीद कल के लिए नहीं लगा रहे हैं कि वो आएंगे। और बारिश तेज होते जा रही है, लेकिन हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में एकदम पत्तों के बीचों बीच एक प्लास्टिक का बैग भी है। अब हम आपको एक छोटा सा तालाब दिखाते हैं, क्या कहते हैं, पुलिया कलवट, तो इसको हम चाहेंगे कि थोड़ा नीचे से दिखाएं, बस कैमरा गिरना नहीं चाहिए। हाँ तो ये है वो जगह जहाँ पर ये किस लिए इस्तेमाल में आता है? इसका इस्तेमाल
इसका इस्तेमाल जो है BSL के क्वार्टरों से निकलने वाला जो कचरा होता है कभी कभी इसमें भी निष्पादित कर दिया जाता है जिसका इस्तेमाल होता होगा। और ये क्या ये वही पानी है जिसका हम बगल में जो वो जी जी बिल्कुल ये जो बगल में तालाब है वहाँ जब ओवरफ्लो की स्थिति बनती है तो वो पानी को यहाँ से निकाला जाता है। अच्छा तो ये वो पुल था जिसको हम लोग पार कर चुके हैं और पार करने के बाद अब हम फिर से ग्राउंड रिपोर्ट पर आ गए हैं और ये वो स्वच्छ जगह है जहाँ पर पिकनिक नहीं मनाई जाती है। तो अभी आपने पीछे का नज़ारा देखा और अभी आप सामने का नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पर पिकनिक स्पॉट नहीं है और यहाँ पर पिकनिक मनाना मना है। तो यहाँ पर भी लोग फिर भी कोशिश किए हैं थोड़ा थोड़ा पिकनिक मनाने का और खाने के बाद प्लेट फेंक देने का। क्या दिखाने वाले हैं हम चलेंगे आगे की ओर जहाँ तो अभी हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर आप देख चुके होंगे तो ठीक है, मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बोकारो के यार तो फिर देखे ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं देखे होंगे। तो अब हम लोग चलने वाले हैं एक पुल की तरफ जो कि सेल्फी पॉइंट है और वहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो जमीनी स्तर से हम उस सेल्फी वाले जगह की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग साइड में रुके हुए हैं। थोड़ा सा डीजल खत्म हो गया है गाड़ी का, तेल भरवा रहे हैं। तो अब हम चाहेंगे कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए और यहाँ पर से जो गुपचुप का जो सबूत छूटा हुआ है वो सबूत यहीं पर छोड़ दिया जाए। चलिए, ट्रैफिक जाम हो गया दोस्तों यहाँ पे एम्बुलेंस की जरूरत है। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पुल है जो कि पुल हमारे ठीक सामने है और इसको किनारे से पहले एक बार आप देख लीजिए कि ये वही पुल है जिसके वो ये पुल किस लिए है। यह पुल है जिसके माध्यम से आप इस पार से उस पार जाते हैं। अगर इन केस अगर आप पैदल ना जा पाएं और पानी में आपको तैरना ना आता हो तो इस पुल का इस्तेमाल लोग करते हैं। अमूमन अब देखा गया जो लोग तैरना आता भी है वो लोग भी चढ़े के जाते हैं, नीचे से नहीं जाते। तो आप यहाँ से जो विश्लेषण दे तो आप अनोखा विश्लेषण देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बोकारो हेडलाइंस पर। तो ये आप इस पुल के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पुल से सिर्फ इस पार से उस पार जाया जा सकता है या उस पार से भी इस पार आया जा सकता है। देखिए यह तो अगर देखा जाए तो वन वे पुल नहीं है, ये टू वे पुल है। लेकिन यहाँ यह पुल के बारे में बताएं तो 200-300 साल पहले यह पुल का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के माध्यम से और यहाँ पर जो कि है आप देखिए कि मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जब आप ऊपर जाएंगे थोड़ा थोड़ा हिलता है, डरिएगा मत, टूटेगा नहीं, बढ़िया स्टील का बना है, बोकारो स्टील है लगा हुआ है, बढ़िया है। चलिए अब हम लोग अब हम आपको देसी तरीके से दिखाने वाले हैं एक खास पुल को। और मेरा फोन बज रहा है, पता नहीं किसका फोन था। यहाँ भैया लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं देसी स्टाइल में। हाँ तो अब आप अपने अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चटपटा चाट वाला, वही दिखा रहे हैं ना। देसी स्टाइल में सेलिब्रेट करते कुछ युवक। हाँ देसी स्टाइल में कुछ अपने अपने अंदाज में नए साल को मनाते हुए। और अभी हम खड़े हैं सिटी पार्क में और सिटी पार्क बोकारो स्टील सिटी जो यहाँ का इकलौता पिकनिक स्पॉट है। इकलौता ही है ना। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इकलौता कहा जा सकता है क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ है इसलिए लोगों में यही एक पिकनिक स्थल है जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर पहुँचे हैं। तो आप यहाँ पर जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं बारिश होने के बावजूद यहाँ पर भीड़ अभी भी मौजूद है और लोग फोटोग्राफी अपना फोटोग्राफी का लेवल अपना जो है वो बरकरार रखे हुए हैं और लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है हमारे जवाब पर जिसमें लोग कह रहे हैं ये सिटी पार्क 200 साल पहले बना ही नहीं था। जी बिल्कुल 200 साल पहले नहीं बना था लेकिन हम ये वीडियो एक फन के लिए कर रहे हैं, आप इसका आनंद लें। अच्छा सर, उन्होंने हरियाली का डेफिनेशन दिया, सुमित जी कह रहे हैं कि हरियाली आती है तो कैमरा साइड क्यों कर दे रहे हो। देखिए जो गंदा लग जाएगा ना, देखिए हरा हरा लग जाएगा तो बात समझिए गंदा, नया कैमरा भाई गंदा हो जाएगा तो फिर अगली बार आपसे मुलाकात आपके आपको लाइव तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे। और भैया जी कह रहे हैं कि अपना चेहरा दिखाइए। हाँ बिल्कुल, नीचे से हम आपको अपना चेहरा दिखाते हैं।
देखिए स्क्रीन में हम वो सब चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जो आप अभी तक नहीं देखे हैं, और हमें तो आप बार बार देखते ही रहते होंगे, तो फिर हमें देख करके क्या कीजिएगा। चलिए तो चलिए अब और उन्होंने कुछ हरियाली का डेफिनेशन बताया है, सिटी पार्क है ना। दानी सी राजा जी कह रहे नमस्कार। सूरज कुमार झा जी कह रहे लगता है भाई लोग देसी मार्केट टाइट है। अरे सूरज जी, सूरज जी देखिए देखिए देखिए, ये आप हम लोग से पूछ रहे हैं या पब्लिक से पूछ रहे हैं पता नहीं, लेकिन आपका जो अंदाज है वो हमें पसंद आया। आप देसी मारे हैं कि विदेशी मारे हैं? नहीं नहीं, ये सवाल गलत होगा, ये सवाल करना गलत। आइए पूछ ले कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए अब हम अपने कुछ दर्शकों से पूछते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम लोग सवाल जवाब कुछ करेंगे। न्यू ईयर कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो वही बात हो गई, खोजने चले तो अनार निकला ही केला। तो जैसा कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि आज सेलिब्रेट करने का दिन है और लोग अपने अपने तरीके से टाइट नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे आगे, वो पुल दिखाने वाले हैं शायद जो सूरज कुमार जी कह रहे थे कि लेक टाइट है, शायद वो उनका कहना सच हो गया। जब हम उनके पास पहुंचे उन्होंने कहा कि जी हाँ जी हाँ। तो ये वो जवाब था जिसकी हमें उम्मीद थी, और अब आप वो पुल देख रहे हैं जो कि हिलता नहीं है। ये तो हिल नहीं रहा है, ये तो पुल अच्छा है। तो अब हम इस पुल के एकदम बीचों बीच पहुंच गए हैं। क्या यहाँ कैमरा है, गंदा लग जाएगा बाबू, आप मीडिया काहे ला संभाल रहे हैं? अरे देखिए सर, बात ये है कि क्या नाम है उनका, नाम क्या है उनका? उनका नाम है राहुल सिंह जडन। राहुल सिंह जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि कैमरा भले नया हो चाहे पुराना हो, रिपोर्टिंग अपनी जगह पर है, और अब हम आपको ऊपर से कुछ दिखाने वाले हैं, कुछ वो नज़ारा जो आपको सिटी पार्क में ग्राउंड लेवल से नहीं दिखा सकते हम, इसके लिए पुल का सहारा लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है हम लोग जमीनी स्तर से कितना ऊपर होंगे? जी जमीनी सी स्तर से हम लोग लगभग 15 से 20 फीट तो ऊपर होंगे ही, लेकिन और नीचे चले जाएं तो ये सी लेवल से कितना 800-900 फीट ऊपर होंगे लग तो रहा है। जी संजय केसरी जी पूछ रहे हैं कि सिटी पार्क कब बना है? सिटी पार्क ना है, इसका जवाब हमें मिल सकता है आगे जाने पर, हम किसी से पूछ करके आपको जरूर बताएंगे कि सिटी पार्क कब बना है। आप हमारे साथ बने रहिए, तो जीवी लोग अगर मिलते हैं तो शायद हम एकदम एकदम आप बने रहिए, लगातार आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अभी हम आपको वो वाइब्रेशन दिखाना चाहेंगे, जो वाइब्रेशन आज इस कैमरा मत हिलाइए, नीचे ग्राउंड लेवल पर आइए, नीचे ग्राउंड लेवल पर आइए। जब लोग चलते हैं तो ये पुल किस तरह से हिलता है और इसमें कंपन होती है। सूरज कुमार जी कह रहे हैं तो पुल को हिलाओ ना सर। देखिए हम पुल को हिला दिए। देखिए कैमरा हिला करके हम आपको पुल हिलता हुआ नहीं दिखा सकते हैं, तो आप उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए हमारे कैमरे के माध्यम से, और किस तरह से ये कैमरा जो कैमरा नहीं पुल जो है हिल रहा है। अभी हम चाहेंगे कि आपको दोनों तरफ का नज़ारा दिखाएं, इधर से और वो पीछे का नज़ारा दिखाएं जो जस्ट आपके जस्ट पीछे है। ऊपर उठा करके तो अभी आप जैसा देख सकते हैं सामने हमारे दो तीन पुल और हैं, लेफ्ट राइट साइड पर भी। अच्छा ये बाकी सारा पुल बंद क्यों रहता है, कुछ कहना चाहेंगे? वो पुल जो कि है 1000-2000 साल पुराना हो गया है, तो अगर जाएंगे तो टूट जाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। एक कारण और है, जब यहाँ खेसारी लाल और पवन सिंह आते तभी ये पुल खुलता है। अच्छा समझे, सेलिब्रिटीज आपके पास वीआईपी पास होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मतलब पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया उसे, पब्लिक मात्र सोर्स है सिटी पार्क का कमाई में के लिए। अच्छा तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि पब्लिक के लिए इसे एक सीमा तक छोड़ा गया है कि आप पब्लिक लोग यहां तक आ सकते हैं, यहां से इसका नज़ारा ले सकते हैं, इसके बाद अगर आपको जाना है तो आपके पास वीआईपी पास होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो और अगर उसे भी खोल दिया जाएगा तो जो शायद इसलिए वो इतना साफ सुथरा दिख भी रहा। हाँ तो ये एकदम बहुत बड़ी बात कह दी कि जिसे बंद रखा जाता है वो जगह साफ रहती है, और जिसे खोल दिया जाता है पब्लिक के लिए वो गंदी हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि पब्लिक यहाँ पर ना आए? नहीं, हम कहना चाहते हैं कि आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर साफ सफाई रहती है तो कितना अच्छा लगता है, लोग चाहते हैं कि भाई हम वहाँ जाते।
सही यह भी जहां हमने आपको तस्वीरें दिखाई वह भी एक समय में ऐसा था कि लोग जाते थे वहां आए और अब लोग आते हैं तो अब लोग चाहते हो अब वहां ना आए अब अंदर चले जाए। सही है। तो जिस तरह की आप देख रहे हैं अभी भी लोग पुल से आना जाना कर रहे हैं और पुल में काफ़ी भीड़ है और हमें ऐसा डर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पता नहीं ये पुल कुछ ज़्यादा लोड उठाएगी या नहीं उठाएगी, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम नीचे आ जाए क्योंकि इसके कंपन से मुझे डर लग रही है, तो आप थोड़ा सा नीचे आने का कष्ट करें अपने कैमरा लेकर के। तो बोकारो हेडलाइंस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जिस तरह से सिटी पार्क में भीड़ अभी भी मौजूद है और ग्राउंड लेवल पर हम फिर से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम थोड़ा सा नीचे ग्राउंड और आइए ग्राउंड आप गलत दिशा में आ गए हैं ये कमल फूल को दिखाई बोकारो में तो खिल गया लेकिन झारखंड में नहीं। कौन तो वो कमल जी लाइव चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे जी लाइव? हाँ नहीं चल रहा है, नहीं कहेंगे। तो बोकारो हेडलाइंस आइए। तो अब हम आपको एक इधर हाँ, तो अब हम सिटी पार्क का कैसा बाजार है एकदम हिला दिया पूरा हिल गया बाजार। ठंडा है, बाजार ठंडा है, नया साल में भी ठंडा है। हाँ क्यों, ऐसा क्यों? बारिश की वजह से। तो छाता तो है ही, छाता से क्या फर्क पड़ने वाला, छाता से कुछ नहीं होने वाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश के कारण लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई है। मजा हर साल आता था, इस बार मजा नहीं आया। तो मजा नहीं आया है इन्हें। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या अंतर रहा है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं पड़ेगा क्या कैसा रहा आज का। तो मौसम के अनुसार से पूरा खराब है, चल रहा है, मजा नहीं आया पूरा। मौसम का दिक्कत है या फिर कुछ और दिक्कत है? मौसमों के ज्यादा तो विशेष मौसम के हर साल जैसा कि मौसम ऐसा ही ठंडा रहता है तभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ना। इस साल ऐसा क्या हो गया? इन साल हर साल से गड़बड़ हो गया, हर साल से गड़बड़ हो गया। तो हर साल से गड़बड़ हो गया इस बार भी और नए साल में वो जोश नहीं दिख पाया जैसा कि दिखना चाहिए। हाँ, चलिए आइए अब हम नीचे की ओर ग्राउंड रिपोर्ट। तो अब हम आपको ले चलते हैं, कहाँ ले चलते हैं? चलिए फुल बाग। हाँ तो अब नीचे आ जाइए ग्राउंड लेवल पर आइए। अब हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो हम जब से दिखा रहे थे। हाँ बोलिए, नीचे आइए बिल्कुल। यह देखिए यह हाँ। साल को भी अगर थोड़ी देर पहले बंद कर दिया जाता तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें यह आपको साफ सुथरे दिखती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी का पूरा प्रोग्राम किया गया है और अपने बिरयानी और प्लेट को यहाँ पर छोड़ करके लोग चले गए हैं और ना चाहते हुए भी जिन्हें उन्हें साथ ले जाना चाहिए था। तो इसमें कुछ डिग्रेडेबल भी है या सारा का सारा थर्माकोल है, आपको क्या लगता है? अगर हम बात करें साइंटिफिकली तो ये जो थर्माकोल प्लेट आप देख रहे हैं यह जो कि है बायोडिग्रेडेबल नहीं है और प्लास्टिक की यहाँ पे डिस्पोजल ग्लासेस है, पेपर है यहाँ पे वो हो सकता है। तो पेपर आप देख रहे हैं कि पेपर को हम इकट्ठा नहीं है, जैसे कि आपने देखा कि आज सुबह में यह जो था यह बहुत साफ था, अब यह लोग छोड़ के चले गए हैं, जो दूसरे लोग आएंगे उन्हें काफी तकलीफ। हाँ तो ये कल के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बोकारो के वैसे लोगों के लिए जो कल यहाँ पर पिकनिक मनाने आना चाहते हैं, क्या उन्हें झाड़ू साथ लेकर के आना होगा, अपना डस्टबिन साथ लेकर के आएंगे या कुछ ऐसा इंतजाम लेकर के आएंगे कि वो इस जगह को पहले साफ करेंगे उसके बाद पिकनिक मनाएंगे? देखिए हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर आप जहाँ भी पिकनिक मना रहे हैं जो बोकारो स्टील सिटी के अंदर आपको इतना सुंदरता पार्क सिटी पार्क जो दिया गया है, आए बिल्कुल पिकनिक मनाएं, लेकिन जो भी आपका उसके बाद कचरा बच जाता है उसको एक जगह समेट ले। डस्टबिन डस्टबिन भी है हमारे पास मौजूद है, एकदम कैमरे से आपको दिख रहा होगा सिधाई में वो डस्टबिन भी है जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा यूज किया गया है और फिर भी लोग यहाँ पर कचरा बीच में छोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है लोगों के हिसाब से या हर 10 कदम पर एक डस्टबिन होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, 10 कदम पर नहीं, ये आपका करीब 100 मीटर से भी कम दूरी पर ये डस्टबिन है, लेकिन लोगों में ये सनक कहें या फिर उनकी नहीं, 100 मीटर कुछ ज़्यादा नहीं होता आपके हिसाब से कचरा, जैसे कि मुझे यहाँ अगर पिकनिक मनाना है और यहाँ से मुझे 100 मीटर चल के जाना पड़ेगा वो कचरा फेंकने के लिए, आपको नहीं लगता है ये दूरी कुछ ज़्यादा है?
जी नहीं, ये वैसे लोगों के लिए दूरी ज़्यादा है जो लोग क्या कहते हैं कहीं जब खिचड़ी बढ़ता है तो उसके लिए दौड़े चले जाते हैं, लेकिन वो लोग इस कदर नहीं सोच सकते हैं जियो का सिम खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं, वो लाइन में खड़े हो सकते हैं, धूप में अपने गोरे वदन को काला कर सकते हैं, तब वो वहां तक जा क्यों नहीं सकते हैं। हाँ, बात आपकी सही है। राहुल सिंह जी का कमेंट है, वो पूछ रहे हैं भाई सभी से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछिए कि सिटी पार्क कब बना, इस क्वेश्चन पे हम व्यूज देखना चाहेंगे। अच्छा चलिए, हम अब कुछ अपने व्यूअर्स से नहीं है, हम मौजूद लोगों से पूछेंगे कि सिटी पार्क कब बना है, तब तक हम उसे गूगल कर लेते हैं कि सिटी पार्क असल में कब बना है, ताकि हम राहुल सिंह जी भी सत्यापन कर सके। VIP पास ना हो तो पवन सिंह से बातचीत रहनी चाहिए। अच्छा, उनका कहना है कि अगर आपकी सिटिंग भीड़ी रहेगी तो शायद आप अंदर जा सकते हैं, भैया पुलिया से उतर जाइए नहीं तो गिर जाइएगा। जी हाँ, ओवरलोड हो गया था, देखिए तस्वीर फिर आपको हम दिखा दें, इसलिए हम लोग जो कि है वो उधर के आ गए हैं, तो अब ओवरलोड नहीं होगा। और पुलिया जो है सही बात है, वहाँ पर कंपन होने लगता है जब वो अपने लोड से ज़्यादा वहाँ पर मौजूद होता है। ये आपको सवाल जो उनका है कि सिटी पार्क कब बना है, तो ये जवाब हमें कौन देंगे, कुछ यहाँ के युवाओं से पूछना पड़ेगा। आइए, वहाँ पर एक ग्रुप हमें नज़र आ रहा है, चलिए उनसे पूछते हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। तो लगे रहिए हमारे साथ, और यहाँ पर बच्चे लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं और एक मुर्गे को मार रहे हैं, उसे मुर्गा ही कहा जाता है ना, मुर्गा कॉर्क। अच्छा, कॉर्क कहा जाता है, मुर्गे के पंख से बना होता है, मुर्गे के पंख से बना हुआ कॉर्क। नगर निगम की ओर से कमेंट आया है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक स्वच्छता नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, बात तो आपने वही हम कह रहे थे कि सभी लोगों से हम भी यही अपील करेंगे कि स्पीकरिंग में आने आए, हम ये नहीं कह रहे कि मत बनाए, लेकिन आप यह देखिए कि डस्टबिन अभी भी खाली है, लेकिन उसके बाहर ये तस्वीरें हैं। नहीं, डस्टबिन खाली है और भरा हुआ है से ज़्यादा है कि लोग वहाँ तक पहुँचे जरूर हैं, यहाँ तक आने का कष्ट बहुत किए हैं, बहुत मेहनत करके वो 100 मीटर 200 मीटर की दूरी तय करके डस्टबिन तक आए हैं और उस कचरे को ठीक डस्टबिन के जस्ट। लेकिन एक बार मुझे समझ में नहीं आता कि जब लोग यहाँ तक पहुँच ही गए तो उसमें डाल देते तो क्या हो जाता, बाहर क्यों डालें? ये तो अब किसी कोई डालते हुए रहता तब उनसे पूछते तो हमको सटीक जवाब मिल पाता। मात्रा की अगर बात करें तो एक दो नहीं है कि चलो ठीक है, अगर वहाँ डस्टबिन में डालने वहाँ गिर गया, यह तो मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि एक ने डाल दिया तो उसका एरिया खराब हो गया, तो उसके बाद को डस्टबिन में नहीं जा पाया, इस कारण सारे लोग बाहर फिर, मतलब एक लोगों ने इनिशिएट किया तो फिर सारे लोग बाहर ही गिराते चले गए। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि लोग यहाँ पर कचरा फैलाने के लिए आए थे शायद। आइए, अब हम कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो कहीं इधर उधर नहीं होते हैं तो आप लोग यहाँ पर सिटी पार्क पिकनिक बनाने आए हैं। जी, जी, एक सवाल है भैया हमारे व्यूअर्स का कि सिटी पार्क कब बना है, तो कुछ अंदाजा आप जब से पैदा लिए तब से सिटी पार्क देख ही रहे हैं, मतलब बहुत पुराना कहते हैं, बहुत पुराना, और जानने की कोशिश भी नहीं की। बढ़िया बात सिटी पार्क के बारे, बढ़िया बात ये कि यहाँ पे पहले तो ये बोटिंग वाला है जगह, और ऊपर से फूल वूल भी लगा हुआ, ऊपर से एक खेलने का जगह भी, और ऊपर से दो पार्क है, एक इस जगह और एक पूल कुछ पार्क है। बड़ा थे। अच्छा, इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें और किसमें, इधर वाले में और उधर वाले में क्या अंतर है? इधर वाले में है कि सामने में आपको फूल वूल सब लगा हुआ है, सामने में पूल भी है फोटो खिंचाने के लिए। बहुत दुख लगा कि देखिए कचरा बहुत लोग फैला रहे हैं। क्या क्या वो पीने के बाद साफ हो जाता है, वो पीने के बाद क्या बोलेगा जो लोग फैला के चला गया? नहीं, वो तो कूड़ेदान वहाँ रखा, उसमें डालना चाहिए उन लोग को। भाई क्या जो लोग मना रहे हैं उन लोग, हाँ तो उन लोग का तो गलती है, अब क्या कीजिएगा इसमें, तो गलती है। हाँ, उन लोग को साफ सुथरा, हाँ हाँ तभी और अच्छा लगेगा, तो पार्क भी अच्छा रहेगा यहाँ का। पार्क आपका है, पार्क को आप स्वच्छ रखें, और ऐसा ना समझें कि अपना है तो इसको गंदा फैला करके चल जाएंगे। ड्यूटी में है वहाँ, पूछना है। आइए, हम कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे कि पार्क के बारे में थोड़ा, अगर ये एक व्यूअर्स का हमारा सवाल है कि सिटी पार्क कब बना, कुछ बोलना चाहेंगे कब बना सिटी पार्क, कुछ अंदाजा?
50 60 साल 100 साल ना ना 100 साल का बोकारो प्लांट का बोकारो प्लांट बाद में 1964-65 का दौर था जब हाँ उसके बाद कितना हमको लगता है 70-75 के आसपास हुआ होगा हमको लगता है। एक और सवाल है कि हम लोग देख रहे हैं कि देखिए बहुत कचरा लोग फैला दिया है, क्या डस्टबिन भी है फिर भी वहाँ बाहर फेंक दे रहा है, क्या है दिक्कत कहाँ है? पब्लिक लोग जन्मे करते मनमाना अपना ऐसा पर है कि उसमें किसका तो बहुत ध्यान दिया जाता है फिर भी नहीं मान रही है मीडिया वाले आप लोग हैं। हम लोग लोगों से सवाल पूछ ले रहे हैं, लोगों से उनका व्यू ले रहे हैं कि मतलब पार्क में आए हैं नया साल कैसे मना रहे हैं। मैं दारू कोई विभाग का होंगे ना जी, कौन विभाग? यही सब बात हो गई। अरे सर सफाई तो होता ही है सुबह फर्स्ट आवर। अच्छा ये सफाई फिर अब कब कल होगा या सुबह 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 शाम को कहाँ होगा? हर सुबह होता। हाँ हाँ सुबह तो होना ही है सब। कम लोग दिखे, बारिश हो रही है। हाँ मौसम के चलते, नहीं तो अगला वर्दी से ज्यादा भीड़ था। पिछले साल के मुकाबले इस साल कम है। हाँ, मौसम की वजह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजिकल फाउंडेशन है ये म्यूजिकल। अच्छा हाँ हाँ एक सवाल, ये इसके बंद हो गया, ये मतलब नहीं खुलेगा ना? खराब बंद हो गया ये। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहुत जब बन रहा था, नहीं खुला चला था कुछ दिन, चला था कुछ दिन चला था, 10 में इसका उद्घाटन हुआ था। जब तक जानकारी हुई हम लोगों को तो बंद हो गया। हाँ 10 में खुला था, हम बोलते हैं 6 महीने साल भर चला, उससे ज्यादा नहीं चला होगा। साल भर नहीं चला था, जो भी हो उसे ज्यादा नहीं चला। ठीक है 6 महीने में बंद हो गया, मतलब शायद यहाँ के लोगों को उस तरह का नहीं मिल पाया होगा जिसके कारण वो लोग नहीं आए, या कोई कारण होगा जिसके कारण वो। कुछ और सवाल लेते हैं। और सवाल है कि नहीं का क्या संजय केसरी जी करें, क्या मोदी जी सब काम करने आएंगे? सब काम करने आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी का सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि मोदी जी ने इनिशिएट कर दिया, सभी लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह अपने। और यह देखिए यह एक यहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर, फोन पे का टैग इनके पास है, और यह जो कि है वो ग्राउंड ग्राउंड हर की ओर बढ़ रहे हैं शायद। ग्राउंड 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 पर पहुँच गया, वी आर इन द ग्राउंड लेवल। और बोकारो को अब हम आपको ग्राउंड से दिखाने वाले हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या दिखाने वाले हैं हम आप लोग। क्या देखना चाहेंगे आप लोग जरा कमेंट में लिखिए तो हमें फटाफट कि क्या देखना है आपको सिटी पार्क में। और आप कोई अगर आपका अपना सवाल है जो हम यहाँ के लोगों से पूछें तो जरूर कमेंट बॉक्स में एकदम टपाटप कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिएगा तभी हम सवाल आपका ले सकेंगे। आइए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। और तो किसने म्यूजिकल फाउंटेन में घूमा है थोड़ा से भी बता दे हम लोगों को। मैंने घूमा है जैसा कि वह कह रहे थे कि लगभग 6 महीना 1 साल का दौर था जब म्यूजिकल फाउंटेन सिटी पार्क में चला था, उसके बाद बंद हो गया, अब कभी नहीं खुलेगा। किसने घुमाया थोड़ा हमें बताएं। आप अपना वो सॉन्ग लिखिएगा जिस सॉन्ग को आपने वहां पर सुना था। मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने वो सॉन्ग सुना था छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, ये वाला सॉन्ग मैंने सुना था यहां पर आकर के म्यूजिकल फाउंटेन में। और लगता है शायद ये उसी समय का होगा। तो ये कब का हो सकता है ये गाना, आपको क्या लगता है? ये अगर बात करें तो वही लगभग 6-7 साल पुराना गाना है। 6-7 साल पुराना, मतलब कि 7 साल हो गए होंगे इसको बंद हुए। उन्होंने कहा कि 2010 में इसके उद्घाटन हुआ था, तो शायद अभी अगर 10 साल की बात करें तो वही दौर रहा होगा। आइए अब हम कुछ और लोगों से सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। तो एक खिलौने वाले हैं और ये बच्चों के खिलौने लिए हुए हैं, तो आप जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल हरियाली, बिल्कुल जी आप कैसा ही करें। तो कैसा रहा आज का दिन? आज नहीं रहा सर, सही आज नहीं रहा, मौसम के हिसाब से थोड़ा हम लोग दुकानदारी खराब है। मौसम के कारण दुकानदारी खराब रहा पिछले साल के मुकाबले? नहीं सर, उसका आधा भी नहीं रहे सर। पिछले साल के मुकाबले उसका आधा भी नहीं रहा सर। ये उम्मीद था कि अगर मौसम खुलता तो शायद ज़्यादा लोग आता, तो ये दिक्कत रहा है इस बार की मौसम ने 1 जनवरी को। तगड़ा सवाल पूछा तो। और आइए जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि क्या है, लोगों से कुछ सवाल जवाब। ये देखिए ये बहुत बहुत अच्छा चीज देती है यहाँ पे बिक रहा है, आप क्या आज का बाजार कैसा रहा? ठीक ही था सर, जो था सर अच्छा था, क्योंकि ये बदली नहीं रहता ना, तो आओ आओ।
करते हैं। हाँ, बाजार अच्छा था सर, बाजार अच्छा था। बारिश नहीं होता तो और अच्छा होता। अच्छा, ये क्या बेच रहे हैं आप? ये इसको कहते हैं आपको लट्ठा बोलते हैं, राबड़ी लट्ठा इसको कहते हैं, गुड़ और चीनी के बना हुआ रहता है। राबड़ी लट्ठा? हाँ, लट्ठा। ये गुड़ और चीनी से बनता है? स्कूल के बाहर जो बिकता था वही। और फिर बादाम वाला हम लोग बना के बेचते हैं। अच्छा, ये बादाम का है जो आप देख रहे हैं? हाँ, बादाम का बना के बेचते हैं, है ना? ये शायद आपने अपने स्कूल के बाहर देखा होगा कि ये सब चीज पहले बिकती थी। ये सब चीज मुझे लगता है बोकारो में अब नजर नहीं आती है। चास के है, चासे में बेचते हैं, रामनगर कॉलोनी। अच्छा, जदुबंश नगर और गुजरात मोहल्ला, चारों बड़े हम बेचते हैं। अच्छा, ये ना, ये और मेरा अच्छा बिकता जी। अच्छा, तो इस चीज़ की काफ़ी डिमांड है। और सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर आज बारिश ना होती तो शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकलते, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर निकले हैं। मुझे लगता है कि उस तरह का नहीं हो पाया। आइए इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा आज का दिन, बाजार कैसा लग रहा? कैसा रहा आज का दिन? बाजार नहीं रहा, साफ बाजार नहीं। क्या दिक्कत हो गया? बारिश वरिश के मौसम के कारण शायद ऐसा होगा और क्या। बारिश वारिश का मौसम के कारण दिक्कत हो गया। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे, ऊपर लगा हाथ में ऐसा मौसम करना। मौसम तो सही बात है, किसी के हाथ में नहीं रहता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो कल आप फिर लगाइएगा। हाँ, कल तो फिर लगाएंगे। अभी यहाँ पर कितने दिन तक इस तरह का भीड़ रहेगा? इस तरह रहेगा थोड़ा बहुत, महीना तक रहेगा, पूरा जनवरी रहता है। तो जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं वो कल जरूर निकलिए और कल आइए, काहे कि अभी पूरा जनवरी यहाँ पर पिकनिक का माहौल रहता है। हार नहीं माननी है। अगर दोस्तों आपको लाइव हरियाली देखनी है, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, अपनी आंखों से हरियाली देखनी है, आए देखें और लुफ्त उठाएं, और शायद गुपचुप भी खाएं। यहाँ पे झालमुड़ी बिक रही है, इडली बिक रही है, बिल्कुल लुफ्त उठाएं। और संजय केसरी जी कह रहे हैं कि बोटिंग देखना है, तो आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बोटिंग को भी दिखाया है। पीछे ऐसे आप ऐसे करके ऐसे कीजिएगा ना। हाँ, ऐसे उंगली करके ऐसे यहाँ पर कीजिएगा तो वहाँ पर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ गया होंगे। और इन्होंने यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने वाटर डिस्को देखा है। अच्छी बात है, तो आप उसके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कौन सा गाना आपने सुना था? अगर आपको याद है तो वो गाना जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि लोग जान सकें कि ये उस दौर का गाना था। जी बिल्कुल। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, आइए कुछ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ वो बोर्ड है जिस बोर्ड में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, हम पढ़ने का प्रयास। अक्सर ऐसा लोग होता है, मैंने देखा है, गंदगी फैलाना मना है। हाँ, ये एकदम नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उद्यान में गंदगी ना फैलाए, और ना को काट दिया गया है, और ना को काट दिया गया है। तो बोकारो में बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है, हर जगह वो जो है कुछ नई तकनीक। मतलब ये जिन्होंने ना काटा है वो क्या चाहते हैं यहाँ पर, कि मतलब कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि उन्हें पार्क साफ सुथरा भी मिले और गंदगी भी हम फैला दें। मतलब वो बाकायदा वहाँ पर जहाँ ना लिखा हुआ है उसको मिटा करके लोगों को बताना चाहते हैं कि भैया आप यहाँ पर आइए और गंदगी फैलाइए, और उसके बाद हम जब आएंगे तो यह उम्मीद करेंगे कि पार्क हमें साफ सुथरा मिले। तो एक घिरनी टाइप का चीज दिख रहा है, चक्री जिसको कहते हैं। अच्छा, संजय जी पूछ रहे हैं कल पानी पड़ेगा कि नहीं। कल तो पानी पड़ेगा कि नहीं, इसको एस्ट्रोनॉट है शायद, उनसे पूछिए, गूगल से पूछिए जी। कल की वेदर की अपडेट आपको बता देगी। कल भी पानी पड़ेगा, कल भी पानी, गूगल कह रहा है कि कल भी पानी पड़ेगा। अगर आपको बदलना है, गूगल के घर जाएं, वहां उनको डांटे धमकाए तो गूगल अपडेट कर देगा कल पानी नहीं पड़ेगा। आइए हम आपको चक्री दिखाते हैं, गोल गोल घूमता हुआ चक्री जो हवा से घूमता है, और बचपन में शायद आप लोग भी इसके लिए रोए होंगे। अनिश जी, आप रोए कि नहीं रोए? देखिए, चक्री का जो मजा है वह बहुत अलग मजा है। तो ऐसा गोल गोल घूम मजा आज की जो गेम्स है वह भी नहीं पूरी कर पाती। पबजी वाला फील आएगा कि नहीं आएगा इससे? नहीं, इसका मजा कुछ और ही है। इसकी जो अंदर की जो भावरे उठती है जब आप इसे लेकर दौड़ते हैं ना, तो अलग ही मजा है। अच्छा, लेके इसको दौड़ते हैं, और वो गाड़ी और साइकिल पर, ऐसे साइकिल पर लोग लगा देते थे और साइकिल चलाते थे तो फुल स्पीड में घन 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 होता था, वैसा वाला ना। दिलबर तो बहुत 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 लेटेस्ट गाना है शायद, वह उनको याद नहीं है गाना होगा। अच्छा, उसमें उसका कुछ रिमिक्स आया होगा। रिमिक्स अभी लेटेस्ट आई है और वह पुराने गाने को लेकर कह रहे हो। यहाँ पर कुछ खिलौने हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए डुगडुगी है वो। तो और घिरनी की एक खासियत होती है कि मेले में खरीदते थे और घर आते आते वो अपने गंतव्य की ओर निकल लेते थे। तो
तो चलिए अब हम आपको कुछ नया दिखाते हैं यहाँ पर। आइए चाट बना रहे, चाट बनाते हुए लोगों को दिखाते हैं, आपके मुंह में भी शायद पानी आ जाए। छोड़िए हटाइए, चाट हम बाद में आपको बनाते हुए दिखाएंगे, हम आपको फिलहाल पार्क दिखा रहे हैं और पार्क आप लगातार देखते रहिए। और हम आपको अब गुलाब फूल दिखाने वाले हैं। किसी ने हरियाली की डिमांड की थी ना, तो उन्हें हम फूल दिखाते हैं फिलहाल, और उसके बाद हरियाली आप खुद महसूस कर लीजिएगा उससे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाबी रंग का फूल है और लाल रंग का गुलाब फूल है, पीला है। आइए हम पूछते हैं इनसे कि कौन कौन से रंग के आपको फूल नजर आ रहे हैं। जी मुझे यहाँ गुलाबी कलर, लाल कलर, गाजरी कलर, सादा कलर, पीला कलर, सभी तरह के किस्म दिखाई दे रहे हैं जितने मैंने अभी आज तक देखा है। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा नज़दीक क्लोजअप दिखा दें और बढ़िया से थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से दिखाएं। चक्कर में तो महाराष्ट्र की सरकार चली गई। क्लोजअप वो पेस्ट वाला क्लोजअप नहीं, बढ़िया वाला क्लोजअप। पक्षियों की आवाज आ रही है, लगता है कि उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, शायद वो अपने घर पर जाना चाहती है। समय हो चुका है, उनका समय हो गया है और उनकी चहचहाट बता रही है कि भैया आप लोग अपने अपने घर जाइए, हम लोग को भी अपने घर जाने दीजिए। हेलो, तो हम अभी आपको सिटी पार्क दिखा रहे थे और आप सिटी पार्क का नज़ारा ले रहे थे, और कमेंट बॉक्स में आप अगर और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। और अभी हमारे साथ वीडियो में आपने हमारा भरपूर साथ दिया कमेंट कर कर, और सारे सवालों से हमें भी खुश किया और यहाँ के लोगों को भी खुश किया। और जिस तरह से आपने कमेंट किया, सभी लोगों को हंसाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पर आप जैसे कि हमने 400 500 साल और इस तरह का जो भी जिक्र किया है, इसको लेकर के कमेंट ना करिए, एकमात्र मनोरंजन के लिए और फन के लिए था। तो इसमें एक दिल पर लेने वाला बात कुछ ऐसा नहीं है, और अगर कुछ इस तरह की बात आपको दिल पर पहुंची है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं जी, ये डिस्क्लेमर है, हमने आगे ना दिखाया, लेकिन अंत में आपको बता दें कि जितने भी इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी आदमी से, किसी भी चीज से इसका कोई लेना नहीं है, या एक महज ये कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। एक नया साल मनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। ओके, एक सेकंड एक सेकंड, कैमरा घुमा दीजिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आइए हम उनसे पूछते हैं। एक एक नाम बताइए अपना। मेरा नाम रुस्ती जैक। मेरा नाम राजेश कुमार। क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई करते हैं। कौन कौन से क्लास में? कौन से स्कूल में? जीजीपीएस। डीएबी डीएबी। एक लड़का दो दो जीजीपीएस डीएबी। और कोई? बी पॉइंट। और कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। तो नया साल में कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। बहुत मजा आया, हम लोग पार्टी में कितने को बहुत मजा आया आपसे मिलकर। हमारे पड़ोसी वाला पूरा गंदगी फैला दी, इसके कारण हम लोग वहां से हट गए। हां ये बात सही है। हैप्पी न्यू ईयर 2020। तो अभी आप जैसा कि देखिए कि लोग यहां पर नया साल जो मनाना था वो मना चुके हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा देखा गया कि नए लोगों में कुछ ज्यादा जोश रहता है। आपको यहाँ पे और यहाँ पे धुंध जो दिख रहा होगा वो कुहासा नहीं है, H2O का मॉलिक्यूल नहीं है, वो शायद शाम हो गया, इस कारण कैमरा उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। और हम थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ेंगे तो चलते हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और पूरा का पूरा पार्क का नजारा लेने के लिए। और क्या दिखा सकते हैं हम लोग, कुछ दिखा सकते हैं क्या? और उनकी एक मांग थी कि थोड़ा बोटिंग दिखाएं, हम कोशिश करते हैं कि शायद आपको हम शायद अंधेरे में हम आपको बोटिंग दिखा सके। शायद बोटिंग बंद कर देता है, उसका कुछ टाइमिंग होता है ना। हाँ, ज्यादा देर तक बोटिंग नहीं चलाता है। और सूरज जी कह रहे कि आप हमें भ्रमित कर रहे हैं, शायद वो किस बात की किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं चल रहा, थोड़ा सा विस्तार पर बता दें क्या भ्रमित का बात। अभी आप जैसा देख सकते हैं पार्क का एक यहाँ पर चैन हुआ करता था जो लंबा जैसा ऐसे करके होता था, आप समझ गए होंगे। जी, उसे खोल दिया गया लग रहा है, डब्लू वाला स्टाइल में उसे खोल दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर पैदल आ सके, और मेन गेट बंद कर दिया गया जी, बिल्कुल TNC अप्लाई, मेन गेट बंद कर दिया गया है, मतलब चैन भले खुला है लेकिन गाड़ी लेकर के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है जी। नहीं तो ऐसे ही लोग इतना कचरा फैला रहे हैं, अगर गाड़ी लेकर के लोग आने लगेंगे तो मुझे लगता है कि पार्क
पार्क ना रहेगा, यहाँ लोग हुड़दंग करने वाले भी घुस सकते हैं। आई हम आपको एक बुलबुला दिखाते हैं, बुलबुला जो हवा में एकदम उड़ रहा है। और ये संजय जी क्या करे, हम भी खड़े थे, कहाँ खड़े थे भाई, कहाँ खड़े थे भाई, पता नहीं क्या कहना है, वो वाले भी चले गए। ये हम क्लोजअप से आपको एक वो नज़ारा दिखाते हैं जो आपने बचपन में देखा होगा, और हवा और उसके इफ़ेक्ट के कारण ये कुछ ज़्यादा मज़ेदार होते जा रहा है। और ये बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरा के स्क्रीन पर, ये स्पेशल इफ़ेक्ट नहीं है, ये सामने उसको बकायदा उड़ाया जा रहा है और आप उड़ते हुए देख सकते हो उसको अपने स्क्रीन पर। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं, कैसा रहा आज का दिन? एकदम नहीं दुकानदारी भैया आज के दिन का, एकदम नहीं दुकानदारी, एकदम नहीं, एकदम नहीं, मुश्किल से 400-300 रुपए दुकानदारी की है। दुकानदारी मतलब कुछ खास इफेक्ट हुआ है क्या मौसम के कारण? मौसम लेकर के एकदम कहानी खत्म हो चुकी, मौसम लेकर के कहानी खत्म हुआ है। तो ये आप कितने दिन से मतलब यहाँ पर हैं, कितने दिन लगातार आते हैं या फिर आज ही? हम आज आए धनबाद से, रहते हैं धनबाद में। अच्छा, धनबाद से आज ही के दिन खासकर आए हैं इस उम्मीद में कि, अच्छा हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज्यादा अंतर, पूरा माल बची हुई है, पूरा माल बच गया है। तो और ज्यादा आपको उम्मीद थी कि? जी हाँ, हो सकता था, मौसम नहीं रहता तो पूरी दुकानदारी, हम लोग का पूरा माल खत्म हो जाता था। मौसम ठीक रहता तो और हो सकता था, 2000 का दुकानदारी करते थे। मौसम ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है और आप देख रहे हैं कि बबल्स का ये है इनका। अगर आप कल आए तो कल तो ये नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हर चीज का आनंद लेने का कोशिश करें। कह रहे हैं कि आप हमें भ्रमित कर रहे हैं, तो सूरज जी आप आए और आप आइए और आपके देखिए, हम भ्रमित नहीं कर रहे हैं। भ्रमित का इंग्लिश क्या होता है सर? कंफ्यूज। अच्छा, वी आर नॉट कंफ्यूजिंग यू, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू मेक सिटी पार्क लुक लाइक। शाम का समय जो कि है, आप चिड़ियों की चहचहाट से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब वो जो कि है इसको फील किया जाता है, महसूस नहीं, फील, हरियाली को लेकर बोल रहे, वो भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, हरियाली को तो ये बिल्कुल, ये और दो दो पिंक सेंटा क्लॉज अभी जस्ट यहाँ से गुजरे हैं, तो शायद हम स्पेशल इफेक्ट था, वो स्पेशल इफेक्ट था। और यहाँ पर शाम का नज़ारा है सिटी पार्क का, और अभी तक जो लोग नहीं पहुँचे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि एक बार सिटी पार्क ज़रूर आ जाएं। अभी भी आपको यहाँ पर वो वाला मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो मज़ा आ ही जाएगा। और अभी आप बलून्स देख सकते हैं कैमरे के स्क्रीन पर, चाट छोला, किधर गया कैमरा? अच्छा, कैमरा ऊपर है और कैमरा चिड़िया दिखाने की पूरी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कैमरा नहीं दिखा पा रही है। तो कैमरा मैं कहूँगा कि चलिए थोड़ा सा वो बोटिंग वाला नज़ारा दिखा करके लोगों से अलविदा लिया जाए, काफ़ी लंबा हो गया और मुझे नहीं लगता लोग अब हमें सुनना चाहेंगे। बोर नहीं ना हो रहे आप लोग? कमेंट कीजिए तो बोर नहीं ना हो रहे हैं? वी आर ऑल्सो किडिंग, आपसे ज़्यादा हम लोग किड हैं, तो हम जान रहे हैं कि कौन कितना किड कर रहा है, एंड वी आर किडिंग ऑल्सो, एंड किडिंग किडिंग के चक्कर में हम लोग किडिंग किडिंग कर रहे हैं। ये है डेफोडिल, नो प्रमोशन, नो प्रमोशन एप्लीकेबल, TNC अप्लाई। और हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर की डिमांड लगातार आ रही थी कि लोग ये देखना चाहते हैं कि बोटिंग कैसे की जाती है और बोटिंग क्या है और कितना लुत्फ उठा रहे हैं लोग। और यहां पर एक क्या था, लट्ठा, हम भी खाए हैं लट्ठा। अच्छा, लट्ठा खाए हैं। और आइए अब हम आपको बोटिंग दिखाते हैं और बोटिंग देखिए और बोटिंग का आनंद उठाइए। जो नहीं पहुंच पाए हैं वो कैमरे और मोबाइल स्क्रीन पर उस चीज़ को फील कीजिए कि भैया कैसे वो बोटिंग हो रहा है। इससे ज़्यादा नज़दीक से हम नहीं दिखा सकते हैं आपको, और देख सकते हैं आप कि बोटिंग करने वाले लोगों को लाइफ जैकेट भी दी जा रही है ताकि किसी भी
और हमारे कैमरामैन लगे हुए हैं आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं कैमरा सीधा रखने का। और स्पेशल इफेक्ट का आयोजन किया गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब हम कैमरे को स्थिर कर चुके हैं और अब हम चाहेंगे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वो नज़ारा देखिए जो कुछ डंडा ऐसा दिख रहा है ना, डंडा ही है। हाँ, वो एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट किया गया। देखिए, जब आप बात करें स्पेशल इफेक्ट की, तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो फूल हो, वह कुछ भी एक हो सकता है जो आगे की तस्वीरों को बाधा डाले। और यहाँ पे संजय जी कह रहे हैं नाना भाई मजा कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। जब मजा आ रहा है, मजा तो बिल्कुल हमें भी आ रहा है। शायद आप हमारी फीलिंग को ना समझ पाए कि कितनी ठंड लग रही है और हम लोग कांपते हुए लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो घर बैठे बैठे आप लोग पूरा सिटी पार्क घुमा दिए जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और वीडियो जिन लोगों को पसंद आ रहा हो, बिल्कुल वीडियो को शेयर करें और हमारे पेज को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करते रहें। वीडियो शेयर करने से होगा ये कि वो जो क्या कहते हैं, और ताकि नए लोग जुड़ेंगे और जो लोग सिटी पार्क के बारे में नहीं जानते हैं तो बोकारो के बारे में और जानेंगे। और कभी ना कभी अगर उन्हें मौका मिलेगा सिटी पार्क में आने का, तो वह शायद एक बार घूमें और बोकारो के इस बहुत अच्छे पार्क का दर्शन करें। और आप हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर तरह की अप एंड डाउन चीज़ें आपको यहां से दिखाई जाती है और बताई जाती है। आपको नज़दीक से दिखाते हैं, अंदर देखिए। आज के दिन किसी का चला हो या ना चला हो दुकानदारी, लेकिन बोटिंग वाले का जम कर चला है। और देखिए, बंद होने के बाद भी लोग बोटिंग करने के लिए उताहुल है। और समझिए, ऐसा हो रहा है कि अगर कोई एक नाव आ रहा है तो लूट के आदमी लपक के बैठ जा रहा है कि भैया हम बैठेंगे, पहले हम बैठेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से बोरा में जो कि है वो पैसा भराया है। और शायद वो बोरा देखने की कोशिश करते हैं, शायद हम चार्जेज के। और यहाँ पे नहीं नहीं, वो बकायदा रसीद कटता है इसका। और अब शायद हम उस बोरे की तलाश में हैं। आइए थोड़ा सा आवाज जो की है वो धीमे कर देते हैं, कुछ सुन न ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने जो है वो क्या है, बोटिंग वाले लोग खड़े हैं लिस्ट में इंतजार में। अपना अपना नंबर आएगा, अपना मेरा नंबर कब आएगा? ये हम लोगों ने अपना नंबर ऑनलाइन पोर्टल पर लगा दिया, शायद 2-3 वर्षों के बाद नंबर आ जाए तो हम लोग भी बोटिंग कर लेंगे। अच्छा, इधर आइए शशिकांत जी। बोलिए, ये जो आप थोड़ा सा कैमरा नीचे घुमाइए, वो नीचे नीचे टायर दिख रहा है। अच्छा, मुझे लेके मुझे मन में बड़ा असमंजस है जब बोट में टायर गया। आपको क्या होता है ना कि हमारे गाड़ियों में जो अगर पंचर या टायर, तो हम लोग टायर दान करते हैं। दान करने से पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, कैमरा संभाल के गिर जाएगा, थोड़ा सामने लगे, और टायर का दान कर देते हैं। जी बोलिए। अच्छा। जी देखिए, जो बातें अभी आपने सुना वो एक अच्छी सोच है। अगर आपके पास कोई बेकार पड़ा टायर है तो यहाँ लाकर दान कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मुख्य वजह यह है कि ये नाव को जब वापस जाती है यहाँ से और वापस आती है, तो उसे टकराने की जोरदार टक्कर होने से बचाने के लिए इसे लगाया गया है, ताकि वो उस झटके को बर्दाश्त कर सके। जो तो आपको क्या लगता है कि दोस्तों, आपको एक सेकंड, इस पर हमको एक फिजिक्स याद आ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उस स्पीड से, जिस स्पीड से बोट वहां से आ रही है वो एक कांस्टेंट स्पीड है, और उस स्पीड से वो एक जो कांटेक्ट होता है तो उतना वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है? जी देखिए, उस शॉक को एब्जॉर्ब कराया जो यहाँ पर हमारे भाई बंधु लगे हुए हैं इस कार्य में, उस बोट का स्पीड सभी कार्यकर्ता अपना बेस्ट देते हैं, तो बहुत बहुत आभार। उसके स्पीड को अपने पैरों के जरिए या हाथों के जरिए उसे थोड़ा सा स्लो करते हैं, और वो जब धीरे से आकर टकराता है। और अगर आपके गली मोहल्ले में कुछ बच्चे हो जो टायर घुमाते हैं, तो आप रात में आए टायर को खोल के ले भी जा सकते हैं। नहीं, 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 ऐसा गलती मत कीजिएगा, कहे कि कुछ भी तो नहीं। ठीक है यार, किसी का तो काम का ही चीज है, टायर अच्छा नहीं लगा। नहीं, मेरे मन में वो सवाल इसलिए आया कि भैया जब बोट में टायर लगता नहीं है तो फिर टायर यहाँ क्यों रखा गया? पंचर तो होगा नहीं, तो स्पेयर का जरूरत होता ही नहीं है। वो टायर सब क्यों लगाया हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? कैमरा इधर घुमाइए, बोलिए। जहाँ तक हमको लगता है, ये टायर बस इसमें शो ऑफ के लिए लगाया गया। अगर नाव में लगाया जाता तो मतलब वो उसका भारी वजन संभालने के रहता, अगर पानी में कुछ वो अंदर से पानी जाए नाव में, तो वो उसको मतलब वो पानी पे बनाए रखे, इसीलिए उसमें। हाँ, हमने बोला। अच्छा,
तो जैसा कि इनका कहना है कि मेरा नाम गुलशन कुमार है। कौन से स्कूल में? नॉन स्कूलिंग में, यहाँ पे आईपेक इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, बोकारो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शायद जो कैमरे की कैपेसिटी है वो रात हो गई है, इसलिए वो आपको तक नहीं पहुंचा पा रही है। अब लाइव है और हम जो कि हैं वो थोड़ा विराम देंगे ताकि यह जो कैमरा है वह भी अपने घर जा सके, अपने बीवी के साथ वह जो कि है वो नया साल पिकनिक मना सके। तो इन्हें भी आप आज्ञा दीजिए, सभी लोगों से अनुरोध है कि अभी सभी को आज्ञा दिया जाए। और चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय।